बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में हम टू डिमेंशनल मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लास 9 आर यू रेडी नाउ? सिंगल डिमेंशंस क्या होता है, 2D क्या होती है और इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, प्लेन मूवमेंट क्या है, और ये तमाम कुछ सीखने के बाद हम अपने प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे जो कि चैप्टर नंबर 9 में है, PTBB वालों के कोर्सेज है। और इसके अलावा चूंकि आर्टिकल को अगर हम डिस्कस करें तो ये कोई भी इससे मुस्तफीद हो सकता है, उसमें अबव एनी लेवल, चाहे आप कोई भी आप किस लेवल पे भी मौजूद हो, अगर सीखना है तो उसमें ये नहीं है कोई क्लास डिस्टिंग्विश नहीं है। रियल में हम सबसे पहले जो मैंने आपको प्लॉट किया हुआ है, एक डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के आपके जहन में कई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ये कौन सा आपको मुश्किल काम है। डिस्टेंस अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा हूं तो मैं यहां से कहूं लाहौर से कराची तक का डिस्टेंस कितना है या लाहौर से बॉम्बे कितना दूर है, तो फिर डेफिनेटली हम जो है स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को डिस्कस करते हैं एज ए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम क्या करते हैं जनाब, फाइनल या टर्मिनल पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मर्ज करो कि यहाँ लाहौर से अगर बॉम्बे जो है वो 1400 किलोमीटर है तो फिर डेफिनेटली 1400 माइनस जीरो, और अगर आपने लाहौर से आगे जाना है तो उसी तरह वो डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन जो है सिंगल डिमेंशनल में, यानी कि 1D जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन हो, ठीक है, यानी कि अगर आपको पता है चैप्टर नंबर 8 में हमने सीख लिया हुआ है कि अगर ये प्लेन के अंदर मौजूद हो तो वो डेफिनेटली टू डिमेंशनल मूवमेंट कहलाती है। और ये बहुत अच्छा एक ऑब्जर्विंग भी है कि आप बोटिंग कर रहे हो या हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो जी वो ग्रीब सा कुछ कॉन्सेप्ट सा बनता है, उसको ऑब्जर्व करना है आप लोगों ने। लेक्चर की तरफ आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला है उसी को हम लिखने लगे हैं। X1 और X2, X1 is a starting, X2 is a terminal point। अगर मैं ये कहूँ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कहाँ है, बहुत आसान, आप फौरन ये कहोगे सर X2 माइनस X1 कर लें तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक हो गया, बढ़ लें। अगर ये y एक्सिस या एटीट्यूड में मौजूद हो तो दिस वन इज अ y1, y2 इज अ टर्मिनल, तो मैंने कहा जी इसकी लेंथ क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे y2 माइनस y1। और चूंकि हम लेंथ की बात कर रहे होते हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हो, एक चीज को आपने ज़हन में ले आना है कि नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आता। कभी कभी सुना है कि ये जो है एक सिटी से दूसरे सिटी में माइनस 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, नेवर, और ना ही लेंथ के बारे में सुना गया, तुम्हारी कितनी हाइट है, ये माइनस 5.7, तो हंसना नहीं है, मेरे मतलब डेफिनेटली इसको जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज में आती है। अब जब हम आ गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, टू डिमेंशनल मूवमेंट, दिस वन इज सेड टू बी अ सिंगल डिमेंशनल मूवमेंट। अगर हम टू डिमेंशनल मूवमेंट में आए तो हमें एक्स एक्सिस भी मूव करना होता और वाई एक्सिस भी मूव करना होता। इसी तरह देखें, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, हम इसको किस तरह क्रिएट करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें आप। अब इसको ऑब्जर्व करें, जो मैंने ये दोनों सेगमेंट लिए, ये पैरेलल है इसके, ऑब्वियस, ये आ गया X2 माइनस X1, और ये वर्टिकल जो है वो पैरेलल है दिस वन, तो इसकी जो लेंथ हमने कहा वो है Y2 माइनस Y1, क्लियर। ये X2 माइनस X1 हो गया, ये Y2 माइनस Y1 हो गया, और ये हमारे पास एक आई राइट एंगल ट्रायंगल, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसका, क्योंकि मैंने मूव किया है यहां से लेके यहां तक, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में ये लार्जेस्ट साइड होगी, और हम उधार लेंगे पिथागोरस को, वो हाइपोस्केयर, हाँ वही फॉर्मूला जो 15th में है, डेफिनेटली बहुत ही एप्लीकेबल फॉर्मूला है। तो ये हाइपोटेन्यूज है जिसमें सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्केयर जो है वो इसके इक्वल होता है, तो हमारे पास एक बड़ा प्यारा रिजल्ट आएगा, वो X2 माइनस X1 होल स्केयर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्केयर इक्वल टू डी स्केयर स्टैंड फॉर द डिस्टेंस। अगर मैं इसको डी कह दूं तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होगा टू डिमेंशनल का। और याद रखना, सिंगल डिमेंशन जो है वो लेंथ है और टू डिमेंशन जो है वो किसी भी फिगर्स का एरिया देती है। थ्री डिमेंशन तक आएंगे तो बात करेंगे, एंड डिमेंशन तक भी हमें सीखना पड़ा तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे।
फॉर्मूला याद रखिएगा, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is the distance between the two points in a plane. Exercise 9.1. जल्दी जल्दी से हम exercise की तरफ आएं। ये history जो हमने पढ़ ली। Equations है, दो points के दरमियान आपने distance find out करना है, और ये हमेशा ordered pair में होगा। बार-बार मैं कह रहा हूँ, this one is said to be abscissa and this one is said to be a 2, is a said to be a ordinate. अब इसको हमने represent कर लें। This one is the x1 and this one represented by the y1. This one x2, second point, and this one is the second point ordinate is a y2. The imaginations में भी हो सकते हैं, आप इसको written में भी ले आएं. Formula. Formula है हमारे पास यही. Now d या AB equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. इसके ऊपर square कर ले या इसको square root कर ले. देखिए ना, इधर अगर square है तो इधर square root करें. इसे absolute देना है, absolute दे दें, इसमें कोई ऐसा तो नुकसान. Remember के answer मेरा positive ही आएगा, negative answer पे नहीं रखना आपने. इसमें वैल्यू फिट करते हैं, तमाम वैल्यू इसमें फिट कर दीजिएगा, विच इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यू फिट करना है, x2 7, x1 9, 7 माइनस 9 स्क्वायर, y2 2 माइनस y1 2 होल स्क्वायर रूट आ गया. अब आपने इसकी वैल्यू इसमें देखें, इट्स अ माइनस 2 होल स्क्वायर equal to 0 whole square square root. ये distance हमें आ रहा है साथ साथ. 0 था तो minus 2 multiply by minus 2. एक बात याद रखिएगा, अगर minus 2 square और square root हो, तो अगर मैं इसको square को square root से cancel कर सकते हैं, तो हमारे पास answer क्या आता है? Minus 2. तो minus 2 जो है, definitely negative value जो है, वो distance में तो allow नहीं है ना, length में तो allow नहीं है. हम लोग ने इसको अवॉइड करना है. कैसे करेंगे? माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू के साथ, तो ये आ जाएगा फोर. ठीक है, जीरो तो खत्म हो गया. अब जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो सिर्फ हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो साथ हम इसको यूनिट ले आए. दिस वन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, और साथ ही हमने इसको इसी फॉर्मूले में फिट कर दिया. क्लियर हो गया? सेकंड पे हैं. अच्छा पार्ट मैंने दिया है, उसे सेकंड को आप देखें, पहले इसको जज कर लें, कोई प्रॉब्लम हो. यस, सेकंड. अब मेरे जहन में ये है कि सर मैंने गलती से, कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, सर मैंने गलती से x1 और y1 इसके बजाय मैंने इसको ले लूं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि स्केलिंग है बेटा, स्केलिंग में इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है. जो आपका वो जो कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में जो खदशात हैं, उसको हम किस तरह, चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूं. ये डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 9.1. इनमें इसको हम इस दफा x2 और इसे x y2 ले लें. दिस वन इज अ x1 एंड दिस वन इज अ y1. ठीक है, यानी कि मैंने देखे पोजीशन चेंज कर ली. जैसे वो मैंने शुरू में एग्जांपल दी, लाहौर से बॉम्बे पे डिस्टेंस, और बॉम्बे से वापस रिटर्न करोगे तो क्या चेंज तो नहीं होएगा ना? बिल्कुल इसी को हम कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं. इसे फॉर्मूला फॉर्मूले में वही ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा करें. 0.5 मार्क्स है, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square square. Put all the values. अब देख लें, उसी के मुताबिक आपने values fit करनी है. x2 minus 4, x1 minus into minus 4 whole square plus brackets को हमने use किया, y2 square root 2
माइनस इंटू माइनस थ्री, फिर मैंने ब्रैकेट यूज की है, बैलेंस भी कर दिया और इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया। अब इसे बस सॉल्व करना है, वैल्यूज को चेक कर लीजिएगा, बस ये खतरनाक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो डेफिनेटली प्लस। माइनस फोर प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट टू, माइनस माइनस प्लस थ्री स्क्वायर रूट होल स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अगेन माइनस वन और ये दोनों कैंसिल हो गए, एडिटिव इनवर्स, और हमारे पास स्क्वायर रूट टू प्लस थ्री स्क्वायर रह गया और साथ ही हमारे पास ये स्क्वायर रूट हो गया और लेफ्ट साइड पे ए बी डिस्टेंस है। अब यहां जो है अगर मैं इसे स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दूं तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यहां वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही थी, लिहाजा मुझे अलाउ नहीं किया गया कि आप उसको वही फंक्शन इसका यूज करें जो कि हमारे पास रिजल्ट मौजूद है। अब हम फ्री हैंड है कि चूंकि पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप इसको कैंसिल करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज के लिए उसका स्क्वायर ओपन करके तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये चीज बहुत बहुत अहम है, इसको देख लें, किसी भी सूरत में नेगेटिव डिस्टेंस नहीं आना चाहिए या लेंथ नहीं आनी चाहिए। ए बी स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट टू प्लस थ्री, और आगे आप यूनिट लिख लें, अगर वो मीटर कहता तो मीटर कह दो, सेंटीमीटर कहता सेंटीमीटर, और अगर कुछ भी नहीं कहता तो सिर्फ यूनिट लिख लें और इसको आप हाईलाइट कर लें। ये है आपका आज का लेक्चर, शेयर कीजिएगा, बेहतरीन अंदाज में प्रैक्टिस कीजिएगा और हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। रेस्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। स्टे इन टच, अल्लाह हाफिज़।